नमस्कार दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मटेरियल वेरिएंस जो है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं, उनको समझने में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से उनके वेरिएंसेस हैं, कौन कौन से मटेरियल वेरिएंसेस हैं, उनका मतलब क्या होता है, उसके अंदर फार्मूलाज क्या हैं, उनको आप कैसे याद करेंगे, क्यों उनको कैलकुलेट किया जाता है, और याद करने की मैं आपको तीन टेक्निक बताऊंगा। देखिए, पहली टेक्निक है कि आप उनको समझ ही लें। अगर आप समझ लेते हैं तो वो याद अपने आप हो जाएंगे। दूसरा तरीका है और तीसरा तरीका है। जो दूसरा और तीसरी टेक्निक है वो अलग तरह की टेक्निक है, वो डायग्राम वगैरह के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। इससे पहले थ्योरी की वीडियोस हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होंगी सारी। इसमें शुरू कर रहा हूँ मैं मटेरियल वेरिएंस। तो ये है मटेरियल, सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो ओवरऑल सबका जो बाप होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर ये दो तरह का होता है, प्राइस और यूजेज या क्वांटिटी। देखिए, कॉस्ट के अंदर फर्क आ रहा है। वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरिएंस का मतलब है अंतर या डिफरेंस, आप कुछ भी कह लो। और ये जो है, ये है आपकी लागत। तो आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस दो तरीके से आ सकता है कि या तो आपका जो प्राइस है, प्राइस अलग अलग है, और या फिर उसकी जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी अलग अलग है। तो बस इसीलिए ये इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अगर प्राइस अलग है तो ये आपका एक रीज़न हो सकता है, और क्वांटिटी की वजह से आ रहा है तो ये एक रीज़न हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप एक स्टैंडर्ड जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ 5 रुपये की कॉस्ट, आप कहते हैं 5 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए। फिर आप ना एक्चुअल में काम करते हैं, एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, तो फिर आपको पता लगा भाई कॉस्ट आई है 6 रुपये की। तो 5 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए थी, 6 रुपये की कॉस्ट आई है, मतलब 1 रुपये की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आई है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, या फिर इसी को हम स्टैट की लैंग्वेज में बोलते हैं डेविएशन। यही आपका डिफरेंस है, यही आपका अंतर है। तो ये जो टॉपिक है, ये सारा का सारा इस वेरिएंस के ऊपर, इसी के आजू बाजू घूमता है। तो ये जो वेरिएंस है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कीमत में फ़र्क है या फिर क्वांटिटी में फ़र्क है। अब जब क्वांटिटी के अंदर आते हैं, तो फिर दो तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं कि एक तो हो सकता है कि उनके मिक्स के अंदर उनका जो मिक्सचर है उसके अंदर अंतर है। मिक्सचर का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है पी, ये जो है 3 तरीके के मटेरियल से मिलके बनता है। 3 मटेरियल हो गए ए, बी और सी। जब ये 3 मटेरियल हैं तो इन तीनों का अपना एक पर्टिकुलर रेशो होगा, उस रेशो के अंदर ही ये इस पी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो वो रेशो हो गया, यानी कि मिक्सचर। तो जो मिक्सचर होना चाहिए था वो आपने गलत ले लिया, और जो यील्ड है, यील्ड का मतलब होता है आपका प्रोडक्शन, या फिर आप कह लीजिए आउटपुट। देखिए, अब ये जो थे, ये आपने अलग अलग कह लीजिए गलत रेशो में आपने ये अप्लाई करे, तो इसकी वजह से आपके आउटपुट में फ़र्क आ गया। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट या टोटल वेरिएंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, बस इतनी सी बात है। इन दोनों का डिफरेंस कर लो आप टोटलिटी के अंदर, तो आपको मिल जाएगा वेरिएंस कितना फ़र्क आ रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी? आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्वांटिटी और प्राइस। देखिए, दो ही चीज़ होती है, या क्वांटिटी और प्राइस, बस यही दो चीज़ें होती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी तरह से एक्चुअल क्वांटिटी को आप एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट। इसका आप डिफरेंस कर लो। अब फार्मूला बनाना है तो ये
स्टैंडर्ड क्वांटिटी का शॉर्टकट एस क्यू हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस का एस पी, एक्चुअल क्वांटिटी का ए क्यू और एक्चुअल प्राइस का ए पी। अब इसको कई बार कई किताबों के अंदर ना ऐसे भी लिखा होता है कि एस क्यू इंटू एस पी, यानी हो गया एस क्यू एस पी, ए क्यू ए पी हमारा ये हो गया। तो मैंने इसको देखिए हर तरीके से लिख दिया है, जिस भी बच्चे को जैसे समझ में आए वो उस तरीके से उसको लेके चल सकता है। अब देखिए एक फार्मूला मैंने ये भी लिखा है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये कैसे आ गया, ये सी से आ गया। जब हम कह रहे हैं कि भाई इसके ये दो हिस्से हैं, एक ये और ये दूसरा ये, तो बस यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मटेरियल कॉस्ट वेरियंस मिल जाना चाहिए, तो बस वही यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे चलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। आप देखिए सीधी सी बात है भाई, प्राइस की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना, बस इसी पर फोकस करो आप। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस, देखो अब आपको डिफरेंस करना है प्राइस का, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड और यूज्ड। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, प्राइस की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना, उसी को तो बोलेंगे प्राइस वेरिएंस। तो इसलिए आप प्राइस का ही डिफरेंस कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्चुअल क्वांटिटी से। तो ये देखिए आपका सिंपल सा ये फार्मूला बन गया, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू। अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऐसे लिखना हो तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई। प्राइस वेरिएंस है ना, तो सिर्फ प्राइस का डिफरेंस कर दो और एक्चुअल क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो इसे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है मटेरियल यूजेज। यूजेज मतलब क्वांटिटी। अब जब ये क्वांटिटी है तो भाई क्वांटिटी का डिफरेंस कर दो आप। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी यूज एंड अमाउंट विच शुड हैव बीन यूज्ड, यानी कि आपका स्टैंडर्ड, जो शुड वाला होता है ना, शुड वाला आपका होता है स्टैंडर्ड। हैव बीन यूज्ड वैल्यू डॉट स्टैंडर्ड प्राइस, यानी उसे आपको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी का आप डिफरेंस कर दो, उसको स्टैंडर्ड प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके सिंपल फार्मूला बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मैं यहाँ एक और फार्मूला आपको बता रहा हूँ मटेरियल यूजेज वेरियंस का। देखिए जैसे पहले बनाया था ऐसे ही अब बनाएंगे। देखिए ये जो हमारा यूजेज वेरियंस है ये किस किस से मिल के बन रहा है, इससे इसके अंदर आते हैं ये दोनों, है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। अगर आपने ये दोनों कैलकुलेट कर लिए कहीं से तो देखिए मिक्स और यील्ड को हम जोड़ देंगे, ये रहा मिक्स और यील्ड को हमने जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूजेज मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अच्छा अब इसके बाद आता है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। देखिए अब मिक्स वेरिएंस का क्या मतलब है, मिक्स वेरिएंस का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो एक से ज़्यादा मटेरियल के इस्तेमाल से बन रहा है। अभी तक क्या था ना, एक ही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, मिक्स यानी कि मिक्सचर। जैसे आप वो खाते हैं ना मिक्स वेज, जैसे आप बोलते हैं भाई आलू की सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है शाही पनीर, तो उसमें एक एक सब्जी होती है, मिक्स वेज है वही। मिक्स वेज के अंदर कई सारी सब्जी है, तो ये वही मिक्स वेज है ये। वन ऑफ द रीज़न फॉर मटेरियल यूजेज वेरियंस इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल मिक्स, यानी इनकी कोई एक पर्टिकुलर रेशो होगी, रेशो कैसे भी हो सकती है, वन 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 यानी कि बराबर ही हो गई, वन टू थ्री ये एक रेशो हो सकती है, ठीक है टू वन थ्री ऐसी कोई एक ये रेशो हो सकती है, तो रेशो कुछ भी हो सकती है। तो भाई वो रेशो गलत ले ली, रेशो गलत लेने से ये डिफरेंस आ रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज एंड स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि स्टैंडर्ड उसकी रेशो जो हमने बनाई थी, प्राइस डैट स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अब ये तो पता है भाई ये क्वांटिटी की बात हो रही है, ये प्राइस की बात तो हो नहीं रही, तो इसका मतलब इसके अंदर क्वांटिटी क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है। अब हम हमेशा करते हैं क्या, हम हमेशा करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप सीधा नहीं ले सकते क्योंकि एक मटेरियल नहीं है यहाँ पे, एक से ज़्यादा मटेरियल है हमारे पास, तो यानी कि उनका मिक्सचर गड़बड़ है, मिक्सचर गड़बड़ है तो यानी जो क्वांटिटी है दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोबारा कैलकुलेट करेंगे यानी कि रिवाइज्ड क्वांटिटी लेनी पड़ेगी।
तो बस ये हो गया आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। अब ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए ये फार्मूला आपके पास कि आप एक्चुअल जो आपका मिक्स है उसकी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए और फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी जब आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हमारे पास अगला आता है मटेरियल यील्ड। यील्ड यानी कि आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन। आपको ये कहीं पर आउटपुट के नाम से मिल सकता है या फिर कोई आपको उसको प्रोडक्शन के नाम से समझा सकता है। यील्ड और आउटपुट वेरियंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड, जो हमने प्रोडक्शन बनाया उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और दूसरा क्या है एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस से, जो स्टैंडर्ड प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको पहले बता दूँ कि जो यील्ड वाला है, अब ये यील्ड वाला चाहे मटेरियल में आए चाहे लेबर में आए किसी में भी आए, इसे कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला भी रहता है और आप कई बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पर मिलेगा स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ ये आपको मिलेगा, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर भी यील्ड ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यील्ड यील्ड करके चलता है। तो क्या है कि हमें यहाँ पर वो वाला फार्मूला नहीं लेना है, हमें ये लेना है। ये बड़ा आसान रहता है और हमें कुछ एडिशनल करना भी नहीं पड़ता है। तो आप इसी को लेके चलिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है इस तरीके से बन जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा अब अगर आप इसी को लेके चलेंगे तो। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप याद कैसे करेंगे इसे। आपको याद करने का सबसे पहला टेक्निक तो ये है, ठीक है, जिसको जो टेक्निक आसान लगे वो उससे याद कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं और ये चीज़ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो मैंने ये आपके लिए बनाई है स्पेशली। देखिए अगर आप ऊपर वाले सारे फार्मूलाज चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर सिर्फ ये चार चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, SQ और SP का मल्टीप्लिकेशन, RSQ और SP का मल्टीप्लिकेशन, AQ SP का और AQ AP का। तो आप ये चार चीज़ें ना अलग से कैलकुलेट कर लीजिए और फिर ये चार मल्टीप्लिकेशन अगर आपने कर ली तो इससे आप सारे के सारे वेरियंस एक बार में निकाल देंगे। कैसे, इसको मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए आप ये याद रखिए कि हमेशा स्टैंडर्ड पहले आता है और एक्चुअल बाद में आता है। तो पहले तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ले लीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। अब लास्ट में चले जाइए, लास्ट में आपको लेना पूरा का पूरा एक्चुअल। पूरा का पूरा एक्चुअल लेंगे यानी एक्चुअल क्वांटिटी और फिर एक्चुअल प्राइस। ठीक है जी, अब इसके बीच में आप ये रख दो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स और ये स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स, दोनों के अंदर आप ये डाल दो। अब आप ये देखो कि ये क्या था, ये था स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही आप थोड़ा सा आगे चल के बना दो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इस तरफ देखेंगे तो इधर क्या है एक्चुअल क्वांटिटी। तो आप एक्चुअल क्वांटिटी पर ही आप ले लो एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये याद करना बड़ा आसान हो गया। ठीक है जी, अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई ऊपर जो इनके असली मेन इनके जो मतलब थे। अब एक दूसरा तरीका, अब ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों से क्या निकलेगा या फिर इन दोनों से क्या निकलेगा या फिर इन दोनों से क्या निकलेगा। सबसे आसान तरीका, आप ये याद कर लो जो कि बच्चे बोलते भी हैं आजकल, यार मेरा तो कट गया। तो आप ये देख लो बस, यार मेरा उल्लू पूरा कट गया। आप इसको याद कर लो, इसको याद करना बेहद आसान है। यार मेरा उल्लू पूरा कट गया, बस यार, यार का मतलब है आपका यील्ड वेरियंस। मेरा एम मतलब आपका मिक्स वेरियंस। उल्लू यानी यूजेज वेरियंस। पी यानी के प्राइस वेरियंस और सी यानी के कॉस्ट वेरियंस। ये इसी सीक्वेंस में रखिएगा आप, इसी सीक्वेंस में रखेंगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप एक से शुरू करो, 1-2 और फिर 2-3, फिर आप इसको छोड़ दो, अब 1 पर आ जाओ, फिर से 1
वन माइनस थ्री, फिर थ्री माइनस फोर और फिर वन माइनस फोर, एक ये बन जाएगा, एक ये अलग बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हो गए आपके। आप एक बार वन में से टू माइनस करो, फिर अगला हो गया टू से थ्री माइनस करो, फिर वन में से थ्री माइनस करो, फिर अगला हो गया थ्री में से फोर माइनस करो, और फिर एक डायरेक्ट मार दो वन में से फोर माइनस कर दो। देखो कितना सिंपल हो गया। तो बस जो वन माइनस टू आप करेंगे ये होगा आपका यील्ड, ये रहा ये वाला यील्ड। जो टू माइनस थ्री आप करेंगे, ये टू माइनस थ्री ये होगा आपका मिक्स। ये वन माइनस थ्री जो करेंगे आप, ये होगा आपका यूजेज। थ्री माइनस फोर जो करेंगे ये होगा आपका प्राइस, और ये वाला होगा आपका कॉस्ट। देखिए आप, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत सारे बच्चों को ये टेक्निक अच्छी लगती है। किताबों के अंदर भी आपको यही टेक्निक मिलेगी। दूसरी वाली टेक्निक जो है वो हमने बनाई है, तो ये वाली जो टेक्निक है ये किताबों के अंदर प्रिंटेड है, और इसको मैंने और आसान बना दिया आपके लिए। यार मेरा उल्लू पूरा कट गया से, इसको याद करना अब बेहद आसान हो गया। पहले ये भी बच्चों को समझ में नहीं आता था कि इसको हम कैसे करें, अब इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। चलते हैं दूसरी टेक्निक पर। इसके लिए आपको ये एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या कहता है देखिए, आप हमेशा जानते हैं यहाँ पर हमारे पास प्राइस ही रहते हैं हमेशा, कैसा भी डायग्राम बनाइए, और यहाँ पर हमारे हमेशा क्या होते हैं क्वांटिटी। तो आप बस ये बना लो, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। ये एक सीमा सा डायग्राम बना लीजिए, यही सेम आपके लेबर में भी बनेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे आप एक बार बनाना सीख जाए तो। देखिए सबसे ऊपर वाला प्राइस, आप जानते हैं दो मेन पार्ट होते हैं पूरे कॉस्ट के, प्राइस और यूजेज। यूजेज के फिर दो पार्ट होते हैं अगर आपको डायग्राम याद है तो, फिर आपने इसके दो पार्ट कर दिए। और जो कॉस्ट होता है वो सबका बाप होता है, कॉस्ट का मतलब ये पूरा ही है। ठीक है जी, तो अब आप एक काम करो, आपने सिर्फ इतना करना है, आप करो स्मॉल बॉक्स माइनस बिग बॉक्स, आप सिर्फ इतना करो, अब आपके सारे के सारे जो वेरियंसेज हैं सारे निकल जाएंगे। पहला आ गया आपका यील्ड वेरियंस। चलिए यील्ड वेरियंस निकालते हैं। देखिए हमने ये निकालना यील्ड वेरियंस। अब यील्ड वेरियंस में आप ये देखो, यानी ये और ये आपका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो छोटा बॉक्स कौन सा है, इसके अंदर छोटा बॉक्स है ये वाला, तो आप स्मॉल बॉक्स माइनस बिग बॉक्स करना है। तो स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स हुआ एस पी एस क्यू, ये देखिए एस पी एस क्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बड़ा वाला बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स क्या हुआ एस पी आर एस क्यू, देखिए एस पी और आर एस क्यू, कितना सिंपल है। ठीक है जी, अब दूसरा देखते हैं मिक्स वेरियंस। चलिए मिक्स वेरियंस आपका ये रहा। अब इसके लिए देखते हैं, ये मिक्स वेरियंस का एरिया हो गया, पूरा ले लो आप। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं छोटा वाला बॉक्स क्या बनेगा। छोटा वाला बॉक्स बनेगा ये, अब ये आपका छोटा बॉक्स बनेगा। चलिए छोटा बॉक्स माइनस बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स एस पी आर एस क्यू, देखिए एस पी आर एस क्यू, माइनस कर दीजिए बड़ा बॉक्स एस पी ए क्यू, एस पी ए क्यू, तो ये आपका आ गया मिक्स वेरियंस। चलिए इसको भी हटाते हैं। अगला यूजेज वेरियंस, यूजेज वेरियंस है ये। अब ये किसके अंदर आया, ये आया इसमें ऐसे करके, और इसका छोटा वाला बॉक्स क्या बना, छोटा बॉक्स बना ये वाला, ये। अब इसको देखते हैं भाई, चलिए छोटा बॉक्स यानी एस पी एस क्यू, एस पी एस क्यू माइनस बड़ा बॉक्स एस पी ए क्यू, ये रहा एस पी ए क्यू, तो देखिए ये भी हो गया हमारा। ठीक है जी, अच्छा अब देखते हैं प्राइस वेरियंस। प्राइस वेरियंस का है ये रहा। अब ये किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, और इसका छोटा वाला बॉक्स क्या बनेगा भाई, इसका जो छोटा वाला बॉक्स बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है, चलिए छोटा बॉक्स माइनस बड़ा बॉक्स एस पी ए क्यू, देखिए एस पी ए क्यू माइनस बड़ा बॉक्स ए पी ए क्यू,
AP AQ, ठीक है, ये भी हो गया, बहुत आसान है, इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। लास्ट कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ये सारा का सारा ही है। तो इसका देखिए कॉस्ट किस में आएगा, पूरा इसमें आएगा, और जो छोटा वाला बॉक्स होगा इसका वो ये वाला होगा, यानी SP और SQ। देखिए SP SQ माइनस कीजिए बड़ा बॉक्स AP AQ, AP और AQ। देखिए कितना आसान है, अब इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो मैंने इस मटेरियल वेरिएंस की सारी सॉल्व कर दी है। इसी को अब जो टेक्निक आपको अच्छी लगे आप वो कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब बच्चों की ये मुसीबत दूर होनी चाहिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए, दोस्तों को जोड़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।